हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन चैनल। गाइस, हम जब भी किसी स्टोर या किसी मॉल से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हर प्रोडक्ट पर कुछ ब्लैक लाइंस और कुछ उसके नीचे नंबर्स लिखे हुए मिलते हैं। कई बार हम उनके बारे में गहराई से सोचने लगते हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या, और कुछ लोगों को तो इसका नाम भी पता होगा लेकिन इसे किस लिए लगाया जाता है ये वो शायद नहीं जानते होंगे। आपको बता दूं कि इस ब्लैक लाइंस को बारकोड कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं बारकोड के बारे में, उसके आविष्कार किस तरह से किया गया उसके बारे में और कुछ उसके फैक्ट्स के बारे में। मेरे साथ मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं होमस्टे। बड़ी बड़ी कंपनियों में किसी भी तरह के प्रोडक्ट को ट्रैक करने के लिए इस बारकोड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर प्रोडक्ट बन रहा है उसके रेट और जो स्टॉक कंपनी में अवेलेबल है उसके बारे में आसानी से पता चल जाता है, और इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा भी होता है। इसलिए ये कोड कंपनियां अपने सामान के ऊपर लगाती है, और इस कोड का इस्तेमाल करके कंपनी अपनी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी को भी बढ़ा सकती है। कंपनी अपने कोड को स्कैनर द्वारा देखकर अपने प्रोडक्ट को पहचान भी लेती है। बारकोड के इन्वेंशन से पहले 1890 में पंच कार्ड का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन पंच कार्ड से प्रोडक्ट का ट्रैक रख पाना मुश्किल था। इसलिए 1948 में एक सुपरमार्केट एग्जीक्यूटिव ने ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में आकर कॉलेज से डीन से बात कर रहे थे कि अगर प्रोडक्ट का कोई कोड सिस्टम होता तो उसे ट्रैक करने में बहुत ही आसानी होती, और इन दोनों को बात करते हुए जोसेफ वुडलैंड ने सुन लिया और उन्होंने अपने दोस्त बर्नार्ड सिल्वर को कहा कि हमें इस चीज़ का कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहिए, और दोनों ने मिलकर अल्ट्रा वायलेट इंक का इस्तेमाल करके कोड बनाना चाहा, लेकिन ये ज़्यादा महंगा था और जल्दी मिट जाता था। और जोसेफ वुडलैंड ने सोचा कि ये आविष्कार आगे चलकर बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकता है, इसलिए ड्रेक्सल यूनिवर्सिटी में अपनी नौकरी को छोड़कर उन्होंने बारकोड कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। जोसेफ वुडलैंड ने मोर्स कोड का कॉन्सेप्ट लेकर बारकोड को बनाना शुरू किया। मोर्स कोड में डैश और डॉट का इस्तेमाल किया जाता है, और एक दिन जोसेफ वुडलैंड समुद्र किनारे पर बैठे हुए थे और उन्होंने अपनी उंगलियों से कुछ लकीरें बना दी, और उसी समय उनके दिमाग में ये तरीका आया कि मोर्स कोड में से डॉट और डैश को हटाकर पतली और मोटी लाइंस का इस्तेमाल करके कोड को बनाया जा सकता है। 1951 में जोसेफ वुडलैंड IBM कंपनी को बारकोड स्कैन करने वाली टेक्नोलॉजी डेवलप करने का कहते हैं, लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी इसलिए IBM बारकोड स्कैनर को बना नहीं पाई। इसके बाद 1960 में लेजर के आविष्कार के बाद जोसेफ वुडलैंड ने IBM कंपनी के साथ मिलकर बारकोड स्कैनर को बनाना शुरू किया। इसी समय में 1963 में 38 साल की उम्र में बर्नार्ड सिल्वे की मृत्यु हो गई। 1962 में वुडलैंड ने अपने आविष्कार का पेटेंट $15,000 में फिल्को कंपनी को बेच दिया, और इसी साल के अंदर फिल्को कंपनी ने इसे रेडियो कॉरपोरेशन ऑफ अमेरिका को बेच दिया। 1967 में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फूड चेंज ने पहली बार बारकोड को टेस्ट किया। उस समय में बारकोड को मैन्युअली प्रोडक्ट के ऊपर लगाया जाता था। बारकोड के कुछ फैक्ट्स की हम बात करें तो सिएटल में, जो कि एक सिटी है, वहाँ पे कोड को कब्र पे अंकित किया जाता है जिसमें मृत व्यक्ति के बारे में विस्तृत जानकारी का लिंक होता है। बारकोड को देख के ज़्यादातर लोगों को लगता होगा कि ब्लैक लाइंस में सारी डिटेल्स होती है और उसी को ही स्कैन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बारकोड में ब्लैक लाइंस की बाजू में जो वाइट लाइंस होती है उसको स्कैनर स्कैन करता है, और उसी में ही प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स होती है। आज से 45 साल पहले व्रिगली च्युइंगम पहला प्रोडक्ट है जिसका बारकोड स्कैन किया गया था। व्रिगली जूसी च्युइंगम को 1974 में, आज से 45 साल पहले, किराने की दुकान में UPC के लिए स्कैन किया गया था, और यादगार के तौर पर इस पैकेट को आज भी नेशनल म्यूजियम ऑफ अमेरिका हिस्ट्री में रखा गया है। तो दोस्तों, बस आज के इन्वेंशन के वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आपको कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, ताकि होमस्टेड के आने वाली हर एक वीडियो के अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलता हूँ अगले हफ्ते एक नए इन्वेंशन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आजू बाजू सफाई रखें, नियमों का पालन करें और ऑनेस्ट बने।